हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं एक फ्लैशर जो कि इग्निशन स्विच ऑन करने पे बीप की आवाज़ देता है। इसको हम लगाएंगे BCU वाली बाइक में, जिस जो कि UG4 में फ्लैशर नहीं लग पाता है, उसमें इसको लगाएंगे। आइए इसको देखते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स है। ये मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ का अमेजोन से। इसका मोबाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ये है कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग, और इसमें 3 पिन दी होती हैं। बाइक वाली दुकान पे जाकर आपको थिम्बल ले आने हैं, जो कि इसमें आप थिम्बल भी लगा सकते हैं और आप जॉइंट भी वायर कर सकते हैं इसमें। इसमें एक बैटरी का रहता है और एक अर्थ का रहता है और एक लाइन देने का रहता है। तो दोस्तों, इसको लगाना बहुत ही आसान है। जो इसका बैटरी वाला है उसको हम इग्निशन स्विच में कनेक्शन दे देंगे, और जो इसका बैटरी का नेगेटिव है माइनस पॉइंट को हम बैटरी के नेगेटिव या कहीं बॉडी में अर्थ दे देंगे। और जब भी हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो बीप का साउंड आएगा। और दोस्तों, इसको इंडिकेटर में लगाना चाहता था, और वो फ्लैशर पहले से इंस्टॉल है मेरी बाइक में, इसलिए मैं वो कनेक्शन नहीं दिया हूँ। मैं सिर्फ इसको की ऑन करने पे बीप बजे वही वाला सिस्टम किया हूँ। बहुत ही सिंपल है लगाना। 3 पिन है, आप 2 पिन लगाइए। एक वायर जो है 12 वोल्ट का बैटरी का, इसमें वो आपको इग्निशन स्विच में दे देना है। और इसका ई, जहाँ पे ई लिखा होगा वहाँ आपको अर्थ देना है बॉडी में, कहीं पे भी बैटरी से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे लगाया है। इस प्रकार इसी पे थिम्बल लगेंगे, चाहे आप वायर भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गाड़ी का बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ रिले फ्लैशर है। तो दोस्तों, ये लगाई है हमने रिले, जिसकी बैटरी की तार है जो वो हमारे ब्रेक स्विच में जो 12 वोल्ट की आती है वो हमने यहाँ पे दे दी है। और इसका जो नेगेटिव है वो हमने नेगेटिव जो आप इसका अर्थ है वो कहीं भी दे सकते हो। तो ये रिले है, इसकी एक वायर और है लाइन के लिए, वो फ़िलहाल मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा। और ये मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, दोस्तों बीप की आवाज़ आएगी ऑन करने पे।